और अब बात करते हैं सियासत की और चुनावी संग्राम की। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने एमपी में पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश में तूफानी अंदाज में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें जनसभा रोड शो है। पीएम के मेगा प्रचार का मकसद साफ है, मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की क्लीन स्वीप की रणनीति है। आज की अगर हम बात करें तो किस तरह से दौरे रहेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा, विस्तार चर्चा करेंगे। आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आक्रामक रुख नजर आ रहा है, जहां पीएम ने पहले सागर में बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। एमपी की पहचान बीमारू राज्य की थी, आज वही मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका था, संविधान के पीठ में छुरा भोंका था। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी एसटी ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। सागर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैतूल में चुनावी प्रचार करने पहुंच गए हैं, जहां थोड़ी देर में प्रधानमंत्री बीजेपी प्रत्याशी डीडी उइके के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और बैतूल के बाद प्रधानमंत्री भोपाल में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में जनता से वोटों की अपील करेंगे। अब आपको बताते हैं कल होने वाले दौरे की बात हो, तैयारियों की बात हो, लेकिन आज क्या तैयारियां हैं जरा वो भी जान लीजिए। पीएम के रोड शो को खास बनाने के लिए बीजेपी ने क्या क्या तैयारियां की हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो, और इसके लेकर तैयारी की बात करें, बीजेपी ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 किलोमीटर तक होने वाले प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान लगभग 200 मंचों से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, जहां अलग अलग वर्ग के लोग उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ तमाम साधु संत भी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, जहां पीएम के रोड शो में तमाम साधु संत मौजूद रहेंगे। रोड शो में शामिल होने पहुंचे साधु संतों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। सनातनी और संत महात्माओं से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए सनातन धर्म की पार्टी है और सनातन धर्म को लेकर अब ये लोग अपवाद उठाएं तो उठाएं, भले ही ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी हो। देखिए, हमारा भारतवर्ष प्रारंभ से ही सनातनी है, इसको ना कोई मिटा पाया ना कोई मिटा पाएगा। भगवा अपने आप में शांति का प्रतीक है। रोड शो में जाओगे आप? जी। क्यों जा रहे हो? मंत्र उच्चारण करने। कौन सा मंत्र से शुरुआत करेंगे? स्वस्ति वाचन बोल के बताइए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, स्वस्ति न पूर्खा विश्वावेदाहा, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ट नैमिहि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। हरि ओम। पीएम मोदी को पसंद करते हैं? जी। पीएम के रोड शो को लेकर प्रशासन की तैयारियों के बारे में भी जानकारी आपको दे देते हैं। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 25 आईपीएस समेत 5,500 जवान तैनात रहेंगे। वहीं पहली बार रोड शो के दौरान सभी स्टेज की बैरिकेडिंग की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 100 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और 100 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। वहीं रोड शो के 5 किलोमीटर के अंतर्गत नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। रोड शो में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से, इसके साथ ही ट्रैफिक का डायवर्जन क्या है, बातचीत करते हैं भोपाल पुलिस कमिश्नर यानी कि सीपी हरिनारायणचारी मिश्र साहब से। सर, कितना पुलिस बल यहां पर तैनात रहेगा और क्या व्यवस्थाएं पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिहाज से की गई? सुरक्षा व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है और इसको लेकर के
पुलिस का हमारा लगभग 2500 का बल पूरी तरह तैयार है और खासतौर पे इस इलाके में भी पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के जो उच्चतम मानक हैं उनका पूरा पालन किया जा रहा है। लगभग 2500 से ज़्यादा का बल यहाँ पे अतिरिक्त बल तैनात रहेगा। 25 से ज़्यादा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और खास तौर पर लोगों को असुविधा न हो इस बात का भी ध्यान रखा गया। लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए जिस जगह पर रोड शो है यहाँ पर ट्रैफिक का डायवर्जन क्या है, 1 से 1.5 किलोमीटर पर अगर हम देखें तो सिर्फ 1 किलोमीटर के एरिया में जहाँ पर है यहाँ पर स्थानीय तौर पर कुछ आंशिक डायवर्सन किए गए हैं। उसमें किसी भी मार्ग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। आंशिक डायवर्सन है जिसमें कुछ वक्त ज़्यादा लग सकता है 10 मिनट तक, लेकिन साथ ही साथ एयरपोर्ट पर अगर जाने की बात है तो उसमें 6 बजे से पहले पहुँचना बेहतर होगा। बीच के अगर उस अवधि में, उस खास अवधि में, अगर 1.5 घंटे की अवधि में हो तो उसमें आंशिक प्रावधान हो सकता है, लेकिन इस बात का लगातार ध्यान रखा गया है कि आम व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। आम व्यक्ति को किसी तरीके की असुविधा ना हो इसका विशेष ध्यान पुलिस ने रखा है। इसके साथ ही 2500 से अधिक पुलिसकर्मी पूरे रोड शो की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।